सब लोग एक ही नौका के राही हैं। जिस नैया में गुरुवर बैठे हैं उसी में सभी भक्त बैठे हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो सीखनी चाहिए। एक महात्मा किसी गांव के बाहर रहते थे। महात्मा जी के साथ एक कुत्ता रहता था। महात्मा जी से एक बनिया एक सेठ मिलने आए। उन्होंने देखा कि कुत्ता जो है वो महात्मा जी की पीठ के पीछे छुप के बैठा है। सेठ ने पूछा, महाराज आपका जो कुत्ता है ये बड़ा कमजोर दिल का है, डरपोक है, आपके पीठ के पीछे छुप के बैठा हुआ है, डर रहा है। सेठ की बात का जवाब महात्मा ने दिया। कहा, ये कुत्ते का अपना स्वभाव है और ये उसका गुण है और उसी से वो सक्सेस है संसार में। सेठ को समझ में नहीं आया, महाराज डरने से क्या सफलता मिलती है संसार में। तो कहा, ये कुत्ता मेरी पीठ के पीछे इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये कुत्ता अभी घूमने गया था और एकदम नई जगह पर गया तो वहां पर 25-30 कुत्ते इसके विरोध में खड़े हो गए और कुत्ते का ये मूल स्वभाव है कि अपरिचित कुत्ते को कुत्ते जो है अपनी टोली में शामिल नहीं करते, इसलिए ये कुत्ता जो है सक्सेस जीवन जी रहा है। महात्मा सेठ को समझा रहे हैं कि जहां पर ज्यादा दुश्मन इकट्ठे हो जाएं वहां से प्राण बचा के भागना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, वहां वीरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां ज्यादा दुश्मन इकट्ठे हो जाएं वहां से आप चुप निकल जाओ, जगह बदल लो और कुछ दिन शांत बैठो किसी के पीछे। हम कौन हैं क्या हैं वो मत दिखाओ, क्योंकि ये जमाना आज अगर आपने प्राण बचा लिए दुश्मन से तो कल आपके साथ दुनिया खड़ी होगी, सारा संसार खड़ा होगा। और दुश्मन ने आज अगर आपके ऊपर अपना हथियार चला दिया, आपको मैट दिया, तो सब दुश्मन के साथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये दुनिया जीतते के साथ है। सेठ से कहा कि ये कुत्ते से आप ज्ञान लो, जब कभी ऐसे घिर जाओ और आप में शौर्य ना हो, साहस ना हो दुश्मन को जीतने का, तो वहां से प्राण बचा के सफल होना ही बुद्धिमता है। ये कुत्ते की बुद्धि का खेल है। जो कुत्ता आज बैठा है जिंदा, नहीं तो 30 कुत्तों के बीच में ये जिंदा नहीं रहता। तीन दिन के बाद वो सेठ फिर आया। आश्रम में घुसने से पहले उसने कुत्ते को देखा कि कुत्ता रास्ते पर आश्रम के बाहर रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों को पकड़ रहा था, उन पे भौंक रहा था, उनके पीछे भागता, हाथ नहीं आती वो नहीं रुकती तो लौट के आता, फिर किसी दूसरी गाड़ी को भागता, फिर भागता, फिर भागता। सेठ ने कहा, महाराज महात्मा से,
आपका कुत्ता मूर्ख है। महात्मा ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, आज ये मूर्ख ही काम कर रहा है। जो भी गाड़ी देखता है रोड पर, अच्छा आपने कुत्ते का ये भी स्वभाव तो कहीं ना कहीं देखा होगा, रोडों पे गाड़ियों के पीछे भागने वाला, तो कहा इसका ये जो स्वभाव है ये मूर्ख स्वभाव है। सेठ ने कहा ये कुत्ते गाड़ी के पीछे भागता है, ना तो गाड़ी हाथ आती है, फिर लौट के आता है, फिर दूसरी गाड़ी के, और ना इसको गाड़ी में बैठना है, तो ये सब ये क्यों करता है? तो कहा ये मूर्ख है, आज का दिन इसने व्यर्थ खत्म कर दिया, तो आपने क्यों पाल रखा है? तो महात्मा ने कहा कि ये इसकी जो मूर्खता है ये इंसानों को शिक्षा दे रही है। ये कुत्ता ये बताना चाहता है कि मैं तो कुत्ता हूं, जानवर हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं है ऐसा भागने दौड़ने से, पर ये जो इंसान है ये भी संसार में मेरी तरह दिन भर भागता रहता है, इसके हाथ में कुछ नहीं आता, पर ये भागना बंद करता ये मूर्ख है। ये हर एक चीज के पीछे भागता है, जो भी चीज ये देखे कि यहां से मुझे कुछ मिलेगा उसके पीछे भागना शुरू करता है, और हार के शाम को थक के घर आके बैठ जाता है। तो ये कुत्ता कह रहा है कि संसार में कोई चाहे जितनी भी रफ्तार से भागे पर उसे संसार में कभी मंजिल नहीं मिलती। इसलिए सेठ इस कुत्ते से सीखो कि व्यर्थ में कभी भी हमें अपना टाइम नहीं गंवाना, समय का सही प्रयोग करो, और समय पर आप ऐसे ही भागते दौड़ते समय को बिताओगे तो सारी दुनिया चली जाएगी तुम्हें छोड़ के, तुम थके पड़े एक ही जगह पड़े रहोगे। तीसरा दिन और फिर महात्मा के पास सेठ आया, तब उसने देखा कुत्ते को कि कुत्ता नाक से सूंघता फिर रहा है। सेठ ने कहा महाराज तुम्हारे कुत्ते में बड़ी बड़ी गंदी आदतें हैं, बिना मतलब के इधर उधर मुंह सूंघ रहा है, ये क्या कर रहा है और ये क्यों पाल रखा है? तो महात्मा ने कहा देखो मेरा कुत्ता आज जो है मूर्खता का काम नहीं कर रहा है, मेरा कुत्ता आज ये काम जो कर रहा है, अगर ऐसा ही हम सब काम करें तो हम भी कुत्ते की तरह सफल यात्रा कर पाएंगे, सफल स्थान पर बैठ पाएंगे और सफल आहार व्यवहार कर पाएंगे। सेठ की समझ में नहीं आया कि सूंघने से क्या अर्थ है। तब महात्मा ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हशाए। ये कुत्ता मनुष्य को ये सीख दे रहा है कि आपको कुछ खाना है, कहीं बैठना है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी जगह पर आपको विश्राम करना है, तो पहले उस स्थान को, उस भोजन को, उस व्यक्ति को पहले आप समझ लो। जब तक आप किसी को समझते नहीं हैं उनके साथ में कोई व्यवहार निजी नहीं करना चाहिए। मनुष्य की और कुत्ते की बेवकूफी में अंतर है। कुत्ता जो है सूंघ के पहचान लेता है सही और गलत को, और हम संग रह के भी जिंदगी भर पहचान पाते पहचान नहीं पाते, पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर उन्हें परख नहीं पाते, एक दूसरे को जान नहीं पाते कि कौन कितना अच्छा है, कौन क्या छलिया है, कपटिया है, कि प्रेमी है, कि सच्चा है, झूठे विश्वास पर जीते रहते हैं।
परिवार में इतने सदस्य होते हैं वो सब झूठी जिंदगी जी रहे होते हैं, एक दूसरे को बिना जाने ही जिंदगी जीते हैं केवल रिलेशनशिप में। ये कुत्ता ऐसा नहीं करता, ये अनुभव के साथ जीवन जीता है। और जब ये अनुभव के साथ जीवन जीता है तो जो काम इंसान नहीं कर पाते वो कुत्ता कर देता है। यवंतो न प्रवर्तते सखी, कोई मर्डर हो जाए और डेड बॉडी मिले पुलिस को, महीनों के बाद भी उस डेड बॉडी को मारने वाले का पता न चले तो कुत्ते की सहायता लेते हैं। फिर उस बॉडी को सूंघ करके कुत्ता मृत्यु पर्यंत उस खोज को खोज सकता है। कुत्ते के अंदर इतना ब्रेन पावरफुल है कि खुशबू से वो अपराधी को ढूंढ लेता है कि किस व्यक्ति ने इसे मारा होगा और वो हथियार उसने कहां दबाया होगा, वहां तक वो चला जाता है। इसलिए सूंघने की क्षमता कुत्ते को भगवान ने दी है, वो उससे ढूंढ निकालता है। ऐसे ही हमको भगवान ने समझने की क्षमता दी है तो हमको समझ के अपनी सारी बुराइयों को ढूंढ कर निकाल लेना है, या फिर हमें उसको ढूंढ लेना है जिसने हमें मारा है, हमें बर्बाद किया, हमारा नुकसान किया है, हम उसे ढूंढ लें और किसी भी स्थान व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करने से अच्छा है कि उससे दूर रहें। नकली व्यवहार मत करो। वही व्यवहार, असली व्यवहार करो जो जिस कैडर का है, कैडर मतलब जो स्थिति का है, जो जिस लायक है उसको उतना ही बस आपके इर्द गिर्द रहे तो रहे, पर आप उसको उतनी ही जगह दो जितनी उसकी औकात है। ये समझ अगर आप में है तो फिर आप सफल व्यक्ति हैं संसार में। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी गर्त में नहीं पड़ेंगे, कभी नुकसान में नहीं पड़ेंगे। कितने भी लोग आपके जीवन में आए और कितने भी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका निरंतर जीवन जो है सफल जीवन आपका चलता रहेगा, आप सफल जीवन जी पाएंगे।